ये आ गया अपने मस्ती जोन में। Hey guys, good morning, welcome back to the channel. So, क्या हाल चाल आपके? I hope सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। So, शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और आज है 6th ऑफ सेप्टेम्बर। आज मैं बहुत ही बड़ा अपने चैनल पे एक अनाउंसमेंट, अपने आपसे एक चैलेंज करने वाला हूँ। सो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, एंड होपफुली मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा। जस्ट आप लोग अगर सपोर्ट करोगे और सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तो अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। चैलेंज ये है कि आज है 44th व्लॉग मेरा, जो आप ये व्लॉग देख रहे हो ये 44th व्लॉग है। एंड मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पे आपको डेली व्लॉग्स मिलेंगे। एंड थैंक्स टू गॉड मैं अभी तक डेली व्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ, डेली मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं, मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया। और मैं आज चैलेंज ले रहा हूँ कि मैं 365 डेज डेली व्लॉगिंग करूँ, मतलब 365 डेज एंड 365 व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिले। उसमें मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी मैं घूम रहा हूँ, जो भी आज तक आपने देखा, एंड मेरे बाहर के ट्रैवल वीडियोस, वो सब कुछ इस व्लॉग पे, मतलब इन व्लॉग्स में आएंगे। मैं कहाँ कहाँ घूमने जाता हूँ, और आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि मेरे को कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए, आप लोग क्या देखना चाहते हो, वो सब कुछ आप बताओ। मैं प्लान करूँगा उन्हीं जगह पे जाने की, एंड कोशिश करूँगा कि वो सारी जगह आप लोगों को दिखाऊँ जो आप देखना चाहते हो। सो सब्सक्राइब करो यार चैनल को, एंड सपोर्ट दिखाओ। बहुत ही प्यारा सा दिन की शुरुआत करते हैं, एंड चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। आप लोग बताओ कि मेरे को सही डिसीज़न है ये मेरा या गलत डिसीज़न है। मुझे नहीं पता कि मैं आगे कर पाऊँगा या नहीं, बट मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूंगा, क्योंकि मेरे को अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया। क्योंकि मैंने 44 डेज तक, अभी लास्ट आपने जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया और आज तक, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मिस किया हो। सो अच्छा सा फील होता है, अच्छा सा महसूस होता है कोई भी व्लॉगिंग करना स्टार्ट करता है। वो मैंने भी करी बहुत पहले से, मैं यूट्यूब पे हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल से मैं चैनल बनाए, मैंने डेली व्लॉगिंग का बोला बट कर नहीं पाया था। बट अब की बार भाई मैंने डेली व्लॉगिंग करी है, ट्रस्ट मी, मतलब मुझे इतना अच्छा अपने ऊपर, अपने आप में महसूस हो रहा है कि मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। सो इजी टास्क नहीं होता डेली व्लॉगिंग करना, बहुत ही, कभी आपका मूड ठीक है, कभी ख़राब है, कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन, सब चीज़ चलती रहती हैं, और आप फिर भी एक स्माइलिंग फेस के साथ एक कैमरे के सामने आते हैं एंड आप व्लॉग बनाते हैं, तो वो करना एक ईजी नहीं होता। बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो एक यूट्यूबर खुद जानता है, वो अपनी ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहता। बट मैंने एक्चुअल फेस, एक्चुअल फीलिंग्स और एक्चुअल जो हुआ वो आप लोगों को साथ शेयर किया, उसमें कोई भी बनावटी नहीं था, सब कुछ ओरिजिनल था। मेरा मूड जब ख़राब हुआ मैंने वो दिखाया, मेरा मूड जब ठीक था, जब खुश था, जो भी हुआ मेरे साथ, वो मैंने आपको सब कुछ दिखाया। सो प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मैं चाहता हूँ मेरे 365 व्लॉग्स में मेरे अच्छे से सब्सक्राइबर हो जाएं, और मैं, मतलब अच्छा सा मेरा एक YouTube फैमिली बन जाए, मेरी काफ़ी बड़ी YouTube फैमिली बन जाए, जिसको मैं कह सकूँ कि हाँ ये मेरी YouTube फैमिली है। सो प्लीज़ आप लोगों से फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब, सपोर्ट करो एंड लाइक करो वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो करते हैं शुरुआत, और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, चलो चलते हैं। आप ये बताओ आप रोए क्यों थे? आप अपना फेस तो दिखा दो, कितने अच्छे कान्हा जी लग रहे हो आप। सुनो तो सही, अरे बात तो सुनो बाबा, नहीं दिखाना पक्का। आपको देखो कितना अच्छा टीका, कितना अच्छा मेकअप किया हुआ आपका। आज इसको ना सुबह स्कूल में कान्हा जी बन के जाना था, जन्माष्टमी फेस्टिवल के उसमें इसको कुछ एक्ट करना होगा, तो उसके लिए जाना था। बहुत रोया, कहता मैं कुर्ता पजामा नहीं पहनूंगा, मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं वो नहीं पहनूंगा, तो बड़ा परेशान होकर गया।
मैंने कहा यार इसको क्यों ऐसा वो करते हो। तो फाइनली ये स्कूल जाके आया है अभी और अभी काफी खुश है। बट सुबह वाला जो सीन था मैंने कैप्चर नहीं किया, बट अगर देखते तो भाई वो बच्चे का एक बिल्कुल वो हो जाता। अब इसको ऐसे ड्रेस पसंद है, इसको ना आर्मी की ज्यादा पसंद है, तो मोस्टली आर्मी का कलर पहनता है, आज भी वही पहना हुआ। सो इससे प्रॉमिस किया था कि इसको हम मॉल लेके जाएंगे और मस्ती जोन करके एक मॉल में है वहां पे जाएंगे। तो इसको वहां पे लेके चलते हैं, ये वहां एंजॉय कर लेगा, खेल लेगा, कूद लेगा। एंड आज बहुत सारे काम है मेरे, मैं तीन चार काम है क्योंकि ट्रिप से जाने से पहले मेरे को एक तो गाड़ी भी चेक करानी है, सर्विस वगैरह करानी है, तो वो भी कराऊंगा। वो अगर आज टाइम मिल पाया तो आज करा लूंगा, अदरवाइज उसको कल पे पोस्टपोन करते हैं। और दूसरा मेरे को यार कटिंग शेव करानी है, शेविंग और कटिंग, बाल अजीब से हो रहे हैं तो वो भी कराना। तो जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं दोनों चीज़ कराऊंगा, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपने बालक को देता हूँ। इसको जहाँ जाना है पहले इसको लेके चलते हैं, उसके बाद सारी प्लानिंग करते हैं। सो लेट्स गो। ये आ गया अपने मस्ती जोन में, यहाँ आके ना थोड़ा सा पागल सा हो जाता है कि क्या करूँ मैं अभी। आपको यही वाली चलानी है तो बहुत बार चला चुके आप, चलो चलाओ। एक बार रिचार्ज कर दूँ इसका, क्या मजा आता है आपको इस वाले पे। येलो वाला प्रेस करो, ये बैटमैन गेम है, सबसे ज्यादा आगे इसी को खेलता, इसी में मजा आता है। इसको पता नहीं क्या चीज है, इसे बच्चों की पसंद है भाई, कुछ भी पसंद कर सकते हैं। प्रेस करो, चलो चलो चलो, फायर फायर फायर। बहुत बड़ा है यार ये, मैंने आपको पहले भी इसकी वीडियो दिखाई, 7D थिएटर वगैरह सब कुछ है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब मिल जाएंगी यहाँ पे इस तरीके की। पीछे भी उधर है, तो आप अपने बच्चों को फुल एंजॉय यहाँ पे ला के करा सकते हो। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे आके, वैसे यूजुअली मेरा तो बहुत करता है। उसको अगर बता दो कि मस्ती जोन में जा रहे हैं तो भाई बस, इसको मोस्टली हम संडे का बोल देते हैं कि संडे को ना बंद रहता, वरना ये हर संडे हमें खींच के लेके आएगा। अब सुनेगा भी नहीं किसी की क्या क्या कौन क्यों बोल रहा है। स्किल्स डेवलप होती है तो भाई हम लोग भी ले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर गेम से सिर्फ हार्मफुल ही है या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं गेम्स, बहुत चीज़ें इम्प्रूव भी होती हैं। डाल दबाओ दबाओ नेक्स्ट। तो चलो ये थोड़ा सा खेल ले, इंजॉय कर ले और फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ पे ना इस कार्ड के थ्रू सब कुछ है, जैसा मेट्रो में कार्ड चलता है, आप रिचार्ज कराओ इसे और यूज़ करो, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, रिचार्ज कराना पड़ता है। 2000 to 2300 इस तरीके का वो मिलता है, सो ऐसे ही का मतलब 500 to 500 मिलेंगे और बोनस 2000 मिलता है 300 का। सो जितना ज़्यादा कराओगे उतना बेनिफिट मिलता, ऐसा है कुछ यहाँ का। तो ये इंजॉय करता है, इसे इंजॉय करने दो। हम लोग थोड़ा सा अभी फूड कोर्ट भी जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे कुछ पसंद आया तो खाते पीते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे घर। स्लाइड करो ना आराम से बैठ के। डर रहा मजा आया आपको? अरे बता तो दो, बोलो I thoroughly enjoyed पापा। अब मुंह से बोलेगा नहीं, देखो सेवा हो रही है। तो यहाँ से निकलते हैं भाई घर पे और शाम का प्लान जैसा भी रहेगा वो देखते हैं। अब
अभी कल रात मेरे साथ यार, मैं कल दिन में सो गया था और मैं इतना परेशान हो गया कल रात में, या तो सोने की वजह से या पता नहीं क्या मैंने बाहर का जो खाया था उसकी वजह से, मेरे को ना पूरी रात में पेट दर्द से परेशान रहा हूँ। एंड सुबह फिर मेरे को वही जो रूटीन है वही फॉलो करना पड़ा, तो मेरी आंखों में अभी भी नींद आ रही है। यहाँ इसने गाड़ी साफ होती ही देख ली, कहता पापा यहाँ पे कराओ। नहीं, मैं घर पहुँचते हैं। सो फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं अपने घर। बहुत खेला है, बहुत मॉल में इंजॉय किया। टाइम हो गया 4:15, मतलब 4:15 बज गया हमें वहां से आते आते। एंड भाई भूख लग रही है बहुत तेज, खाना खाऊंगा सबसे पहले और फिर कुछ और काम देखते हैं। खाना खाते हैं पहले, आ जाओ खाना खाओ साथ में खाते हैं। मैं ना बड़ा परेशान था, मैं एक ही पॉइंट पे मेरे को कई सारे चार्जर लगाने पड़ते थे। अब बाहर जाऊंगा तो ड्रोन का भी चार्जर होगा एंड फोन के भी चार्जर होंगे, कैमरा का भी चार्जर होगा, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा बंच सा बन जाता। तो उसके लिए मैंने एक मंगाया ये अडॉप्टर, तो पेट्रोनिक्स का है ये, इसमें ड्यूअल यूएसबी है एंड एक पॉइंट वैसा है, सो वो भी दिखाता हूँ। और एक मैं तो मना कर रहा था बट मैंने ऐसा कुछ वो नहीं बोला था, और मना नहीं मतलब मैंने सेलेक्ट करने का। ओके। एक ये पावर बैंक मंगाया भाई ये इसने अपने लिए, ड्यूरेसेल का पावर बैंक, अच्छा सा लगा था मेरे को देखने में। और ये देखो शानदार सा है, लुक वाइज बहुत ही अमेजिंग है एंड परफॉर्मेंस देखेंगे इसकी। फिलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कौन सा है वो भी दिखाता हूँ। मैं जो पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ MI का है ये मेरे पास जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा है ये, इससे बहुत लाइट वेट है, दोनों 20,000 mAh के हैं। तो ये कुछ ऐसा मंगाया मैंने, तो कई हद तक मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो गई है। सो स्टार्टिंग है भाई ट्रिप की, तो उसी की सारी तैयारियां शुरू हैं हमारे साथ, मतलब हम कर रहे हैं एंड देखते हैं कैसा रहता। आप वीडियो लाइक करना, शेयर करना और भाई सब्सक्राइब करना चैनल को, और बताना आपको वीडियोज़ कैसी लगी आने वाली। तो भाई टाइम हो गया 10:30 और मैंने कटिंग शेव दोनों करा ली। अब जाके मेरे को भी सुकून मिला कि मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ, क्योंकि कल थर्सडे हो जाता है एंड कल जन्माष्टमी भी है, तो मैं कराता नहीं उस दिन। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।